गाइस, आज मैं आपको कुछ हैक्स दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो पहला हैक है जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे कुछ एंड पोर्टल फ्रेम्स, कुछ आई ऑफ एंडर ऑब्सीडियन मेरे पास है ही, और फायर चार्ज भी ले लेते हैं यहाँ से। ये रहा, आप चाहो तो फ्लिंट एंड स्टील से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फायर चार्ज से करूँगा। तो सबसे पहले आपको एक एंड पोर्टल बनाना है, और अगर आपको सीखना है कि एंड पोर्टल कैसे बनाते हैं तो फिर मेरी वीडियो देख लो जो मैंने बनाई थी, लेकिन इस वीडियो के बाद। ये बन गया है, अभी आपको जाना है ऊपर और इसको कुछ ऐसा करना है आपको। ये साइड वाले ब्लॉक्स आप चाहो तो रखो या फिर इसे तोड़ दो, आपकी मर्जी है। मुझे इसको एक्टिव करना है और अभी मुझे करना है इसे एक्टिवेट। मैं जाता हूँ और इसे एक्टिव कर देता हूँ। ये एक्टिवेट हो गया है और इधर देखो, ये एंड पोर्ट, और अभी आप इस एंड पोर्टल को भी तोड़ सकते हो और इससे बन जाएगा आपका एक आधा नेदर पोर्टल जो कि काम भी करता है। मैं सबसे पहले तो ये चेंज करूं। तो अभी आपको बस इसे तोड़ देना है और इस, और ये एकदम वर्किंग है। मैं इसके अंदर भी घुस के दिखाता हूँ आपको, ये देखो वर्क कर रहा है ये। तो ऐसे आप एक आधा नेदर पोर्टल बना सकते हो और अपने दोस्तों को ट्रोल कर सकते हो। और ये देखो क्या लॉजिक है, जहाँ पर हमेशा आग लगी रहती है, जिस जगह पर पानी नहीं पहुँच पाए वहाँ मशरूम पहुँच गए। कहाँ का लॉजिक है ये। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। मैं पहले इसके अंदर घुस जाता हूँ। और नेक्स्ट हैक के लिए हमें जाना होगा एंड में, तो मैं फिर से पोर्टल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये एंड पोर्टल बना लिया है, अभी इसके अंदर घुसते हैं। और अंदर घुसकर हमें यहाँ से निकलना है बाहर। और मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ जिससे आप आसानी से एंडर ड्रैगन को मार सकते हो, वो भी बिना किसी टूल के। आपको कमांड सेक्शन में जाना है, टाइप करना है /kill@ई। जितने भी मॉब्स एंडर मैन एंडर ड्रैगन सब मर गए, और सिर्फ यहाँ के ही नहीं, ये ओवरवर्ल्ड और नेदर के भी उड़ा देता है एक साथ। देखो तो यहाँ से एग्जिट होते हैं, अब ये रिस्पॉन हो रहे हैं। तो हमें यहाँ नहीं जाना है। आप चाहो तो एंडर ड्रैगन को मार सकते हो या नहीं मार सकते। मार सकते हो तो आसान होगा, लेकिन अगर नहीं मारना आपको, आपने कोई ऐसा चैलेंज किया है, तो आपको बस ये एंड के अंदर जाकर इसे फुल करना है, लेकिन एंड डायमेंशन के अंदर जाके, वरना आपका पीसी फूटने से कोई नहीं रोक सकता। अभी जाना है हमें यहाँ से बहुत दूर। यहाँ से आपको बस सीधे चलते रहना है, चलते रहना है, एंड यहाँ से चलते चलते आपको एंड सिटी मिल जाएगी। चाहे आपने एंडर ड्रैगन को मारा भी नहीं होगा, तब भी आपको एंड सिटी मिल जाएगी। तो मैं चले जा रहा हूँ, और ऊपर कोऑर्डिनेट्स ऑन है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम।
और कितने ब्लॉक्स दूर है। तो अभी हम चलते रहते हैं यहाँ से। मैं चाहूँ तो उस पोर्टल के अंदर भी घुस के दिखा सकता हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। अभी हम चलते रहते हैं। हम 700 ब्लॉक्स आगे पहुँच चुके हैं और ये रहा एंड सिटी। और यहाँ से भी हम चलते रहते हैं। तो इस हैक की मदद से आप लोग एंड सिटी में जा सकते हो बिना एंडर ड्रैगन को मारे। अगर आपने कोई ऐसा चैलेंज किया है कि बिना ड्रैगन को मारे आपको एंड सिटी में पहुंचना है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसके लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर पहुँच गए या फिर किसी भी ऐसे आइलैंड पर बंद हो गए और आसपास का एरिया पूरा फूट गया, या फिर आप स्काई ब्लॉक खेल रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप स्काई ब्लॉक खेलते हो तो उसमें ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक बना सकते हो स्टोन जनरेटर। जैसे आपको ये आइलैंड एक्सपेंड करना है, फिर आपको सबसे पहले कोई सा भी ब्लॉक लेना है और फिर वैसा कर देना है जैसा आप कोबल स्टोन जनरेटर के लिए करते हो, लेकिन ये आपको ऊपर की तरफ करना है। एक ब्लॉक तोड़ दो, ये वाला भी तोड़ना है और एक ये वाला भी, एंड देन ये वाला भी तोड़ना है। अभी यहाँ पर आपको स्टिकी पिस्टन लगाना है इससे पीछे। यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन, इधर पानी, और ये देखो एंड, ये एंड के अंदर आके पानी कैसा दिखता है, एकदम पर्पल। अभी आपको यहाँ पर लावा डालना है, देन ये कोबल स्टोन जनरेटिंग शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ से आपको इधर जाना है और आप जितनी एक पिस्टन की कैपेसिटी होती है उतना ही आपको आगे लेके जाना है। मैं यहाँ तक कर देता हूँ, 4 ब्लॉक्स तक, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो इसे। अभी यहाँ पर आपको एक रेडस्टोन टॉर्च लगानी है और यहाँ से रेडस्टोन कनेक्ट करके आपको यहाँ जाना है, सारा रेडस्टोन कनेक्ट कर देना है। देन आपका काम बस हो गया है। अभी आपको रेडस्टोन ऐसे कनेक्ट करना है, तो ये देखो ये चलना शुरू हो गया है। अभी ऐसे आगे बढ़ते रहेगा जहाँ तक पिस्टन की कैपेसिटी होती है वहाँ तक। और आप यहाँ पर एक ऑब्सीडियन भी लगा देना जब इसके ऊपर रेडस्टोन रखोगे तो, या फिर ये करना मत क्योंकि ऐसे आपका ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ही एंड पर पहुँचेगा तो ये आगे धकेल देगा, ऐसे आपका एक ब्रिज बन सकता है या फिर प्लेटफॉर्म बन सकता है। जैसे यहाँ तक पहुँच गया, अभी जहाँ तक इसके आगे पुश नहीं कर सकते इसे, तो यहीं पर रुक जाएगा और आगे बढ़ जाएगा जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।